देखे जा रहा है ऊपर जाने वाले के ना। तो फिलहाल हम तो निकल रहे हैं वापस, शायद ये लोग भी वापस जाने हैं। ये पहाड़ देखो भाई, मस्त एकदम खतरनाक ये पहाड़ देखो। बाकी लेफ्ट में आगे चल रहा है डंपर, अरबी नहीं अरबी नहीं। अरे बढ़िया बढ़िया, वाह क्या व्यू आ रहा है। गाने मत बजाना है, फोटो खींचे फोटो खींचे। हां मैं बोल रहा हूं मस्त लगेगा ये पीछे का बुक्याल। अच्छा चौड़ी जगह पे यहां पे पहले वो झंडे कट देना पहले। नहीं यहां पे नहीं, जावर हो गए झंडे कट। रास्ते में पहुंच गए हम पाताल गंगा और अभी यहां पे पा रहे हैं, थोड़ा हवा हवा खा रहे हैं, मस्त और हवा चल रही है बहुत भाई। देखो ऊपर बोगाल देखो क्या मस्त लग रहा है, इधर वाला ज़ूम करके देखो ये, मतलब बद्रीनाथ का ज़्यादा जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ठंडा भी है। और तो चलते हैं आगे थोड़ी देर बाद यहाँ फोटो वोटो खींच के। और अभी देखो ऊपर वाली रोड जाए यहाँ से हम आए, और ये देखिए बर्फ़ के पहाड़ एकदम ऑल से चकाचक हुए, लड़ाई हाँ लड़ाई हो गया किसके, और यहाँ पर लड़ाई होती हुई पास वगैरह चार पास वगैरह जितने भी है ना वो सारे यहाँ पे चेक हो रहे हैं, उसके बाद ही जो है आगे जा पाए हम भी, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। ये देखो नदी जो मस्त ऊपर से आ रही है, और यहाँ से बद्रीनाथ कम से कम 5-6 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, तो अब निकलते हैं वापस उधर बद्रीनाथ के लिए। तो भैया दर्शन तो हो गए पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि क्या बताएं अब। ये प्रसाद के मंदिर जो है हनुमान मंदिर और क्षेत्रपाल जी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे मंदिर और भीड़ इतनी ज़्यादा ना यहाँ पर। देखो यहाँ से गए हम ऊपर, बहुत भीड़ है यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से मेन मंदिर और ये पीछे ग्लेशियर। ये देखो भाई ग्लेशियर मस्त एकदम। और अभी फ्रंट का व्यू जो देखो, ये फ्रंट का व्यू एकदम बढ़िया, पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि भाई साहब हमारी कम से कम रात को 2:30 बजे से आ गए थे हम, तो अभी जाके नंबर लगा हुआ था, तो अभी चलते हैं नीचे चप्पल लेते हैं और भाई खींच रहा है फोटो, इसको देखो फोटो जाएगा यहाँ पर क्या। ये मंदिर और ये देखो नीचे नदी का बहाव, और यहाँ पे कुंड भी है जहाँ पे साल कोई ना रहा और हम यहीं नहाए थे ना, मस्त आ जा। तो अभी आ गया मंदिर से वापस, मंदिर रह गया उधर और हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। क्या बच्चों के लिए रूम ना ना, ना क्या रूम तो हो गया, गाड़ी ले लेंगे वहाँ से अपनी। ये देखो भाई ये है बद्रीनाथ का मार्केट, और अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की ओर जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, उसके बाद हम जाएंगे माणा की ओर है ना। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं। देखो ये मार्केट है, ऊपर देखो ग्लेशियर में बर्फ ऐसा लगता है कल ही शायद ताज़ा पड़ी है, मस्त। अभी घूमना मार्केट में और एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे ये वाला है मस्त, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है भी पड़ रही है, मतलब ऊपर पूरे बादल वादल लगे हुए ना, और इधर भी दुकानें देखो इधर भी बर्फ़ है, यहाँ पीछे मस्त बर्फ़ पड़ी है पूरी। तो शायद अब हम जाएंगे माणा की तरफ, तो इसको यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।